प्रदोषण नजर आएंगे। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। रात में पावर फेस पैक को आप लगाने से फायदा क्या होता है और ये कैसे उपयोग करते हैं? पावर फेस पैक का असर ही रात भर आपकी त्वचा पर ही रहता है, जिससे आपको पावर फेस पैक से पूरा ही लाभ मिलता है। रात में हमारी त्वचा रिपेयर होती रहती है, इसीलिए रात में हमें लगाया ये पावर फेस पैक तो ज्यादा असरदार होता है। आप भी यहाँ रात में 5 ये पावर फेस पैक को लगाइएगा और सुबह आप अपनी स्किन को गोरी और निखरी नजर आएगी। रात में 5 ये पावर फेस पैक को लगाइएगा और सुबह आप अपनी स्किन को गोरी। नंबर 1, इसके लिए आपको 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच ओलिव ऑयल लेना है और 1 चम्मच आपको नींबू का रस लेना है। अब इन्हें मिलाकर एक अच्छे से पेस्ट बनाइएगा। अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर रात भर लगा कर छोड़ देना है और फिर पानी से धो लेना है। यह एजिंग लोशन का भी काम करता है और त्वचा में कसाव भी आता है और त्वचा ही निखरी और जवा दिखने लग जाती है और खूबसूरत भी। नंबर 2, एक कटा हुआ टमाटर और 2 चम्मच ओट मिल्स और 1 चम्मच आपको नींबू का रस मिलाना है। यह ब्लेंडर में अच्छे से मिलाकर आप चेहरे पर लगाइए और अच्छी मोटी परत लगाइएगा। यह मिश्रण को गाढ़ा बनाइएगा और ऊपर से ही ओट मिल आपको मिलाकर आपको 10 मिनट तक सूखने दे और गर्म पानी से आप धो ले। अब इस पावर फेस पैक को आप नियमित लगाने से यहाँ दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन गोरी और निखरी नजर आने लगेगी। यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा। में अच्छे से मिलाकर आप चेहरे पर लगाइएगा या मोटी और इसको मोटी परत को। नंबर 3, 4 बादाम को आपको भिगो देना है और 2-3 आपको गुलाब जल की पंक्तियां लेना है और 2 चम्मच आपको गुलाब जल डालकर आपको पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाइए और सूखने दे और फिर बाद में आपको सुबह चेहरे को धो लेना है। इस पावर फेस पैक को आप स्किन से ग्लो करने में काफी अच्छा होता है। ये स्किन की मॉइस्चराइजर भी प्रदान करता है और ये काफी पावरफुल होता है। नंबर 4, 2 चुटकी भर आपको हल्दी पाउडर लेना है और 3-4 चम्मच आपको बेसन लेना है और कच्चा दूध लेना है और शहद लेना है। अब इनको अच्छे से मिला के एक पेस्ट तैयार कर लेना। अब इस पेस्ट को आप पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाइएगा। लगा के आपको कुछ टाइम तक छोड़ देना है और बाद में यह धो लेना है पानी से। यह एंटी एजिंग पैक होता है जो चेहरे के दाग धब्बे और त्वचा को निखरा और गोरा बनाता है। ये काफी असरदार होता है। नंबर 5, आपको 1 चम्मच अलसी लेना है और थोड़ी देर तक इसको भिगो के रख देना है और अब इसको आप अच्छे से एक पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाइएगा और सूखने दे और फिर यहाँ ठंडे पानी से धो लेना है। इससे आप स्किन सॉफ्ट होती है और चेहरे पर ग्लो और निखार आता है। ये स्किन के लिए काफी पावरफुल होता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलती हूँ दोस्तों नई जानकारी लेके आपके साथ।